सो गाइज, आज आप देखने वाले हैं चार्जर को एकदम ठीक करने का नया तरीका, यूनिक तरीका देख रहे हैं। आप देखेंगे कि हम चार्जर पे अक्सर टेप लगा के ठीक करते हैं उसको, तो वो बहुत ही भद्दा लगता है। तो आज हम उसे ठीक करने के लिए आप देखेंगे कि एक यूनिक सा आइडिया लेके आए हैं आपके लिए। अगर वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक अवश्य करना, चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करना। तो दोस्तों, लेना है हमें धागा, सफ़ेद रंग का आता है, जो मोटा धागा होता है वही धागा। तो हमें उसे करने हैं दो लेयर। दो ये लेयर करने के बाद हमें जहाँ से चार्जर टूटा हुआ है वहाँ शुरू से हमें उसे धागे को इस तरह पकड़ेंगे और अच्छे से टाइट टाइट सा दबा के उसे लेयर कर देंगे। आप देखेंगे इसे थोड़ा टाइट पकड़ना पड़ेगा आपको एक बार, और आप देखेंगे, आप देखना अच्छे से लपेट के इनको धागे को तार के ऊपर, और लेयर बना दीजिए पूरी। आप जहाँ तक धागा लिया आपने कम से कम 1-2 इंच, और आप देखेंगे कि धागा बहुत अच्छे से लग जाएगा इस पर। और अब ये मजबूती का काम है, बिल्कुल भी नहीं टूटेगा आपका चार्जर, चाहे कितना ज़्यादा ये टूटा फटा हुआ हो, लेकिन एकदम से ठीक हो जाएगा। अब हमें लेनी है क्या, 5 रुपए की चीज़। मात्र 5 रुपए की चीज़ से आपका चार्जर एकदम न्यू ब्रांड हो जाएगा, देखना आपने देखा। तो ये हमने लिए फेविक्विक, जिससे हम अपना चार्जर ठीक करने वाले हैं। तो दोस्तों, मात्र 5 रुपए में आप भी अपना चार्जर ठीक कर सकते हैं, कोई नया लाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो एक बूंद यहाँ पर ऐसे करके डाल देंगे हम, एक बूंद से 2 बूंद से ये पूरा अच्छे से सेट हो जाएगा। फिर आप इसको कैसे मोड़ तोड़ सकते हो, और ये बिल्कुल भद्दा नहीं लगेगा देखने में। टेप लगने के बाद बहुत ही गंदा दिखता है दोस्तों अपना चार्जर, किसी के सामने ले जाने में शर्म आती है। अब ये देखिए, आप देख रहे हो आप कितना फिनिशिंग के साथ हमारा चार्जर ठीक हो चुका है, और ये सूख गई है फेविक्विक। आप इसको कैसे भी मोड़ तोड़ सकते हैं, कोई झंझट वाली बात नहीं है। अब ऐसे ही हम दूसरी साइड का चार्जर देखेंगे। आपको देखिए, आप कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, धागे वाला चार्जर आपको सबसे अच्छा लग रहा है। तो अब इस साइड की भी हमें टेप निकालेंगे, लेकिन इसमें मजबूती का काम इतना अच्छा हो गया, बहुत ज़्यादा, ये बहुत ही गंदा लगता है टेप लगाने के बाद। तो अब हम क्या करेंगे, इसका भी कैंची की सहायता से सारे टेप को निकाल देंगे, और हम काट के इसको भी ठीक करने वाले हैं दोस्तों। लेकिन टेप लगाने के बाद ये पूरा लेयर चिपचिप होने के, हाथ से टेप से ग्लू से तो बहुत ही गंदी लगती है ये। तो दोस्तों, अब आगे से आपका चार्जर ठीक करने का एक मतलब तरीका यही है, बहुत अच्छा ही आता है तरीका है। ये देखिए, आप टूट रहा है कितना अच्छे से, कभी भी टूट सकता है ये धागे से। अब इसको भी हम धागा लेके, इसमें हमने 4 लेयर किए ताकि और जल्दी से ये धागा इसके सेट हो जाए। तो ये देखिए, आप 2 लेयर ले सकते हैं, 4 लेयर ले सकते हैं, 6 लेयर ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैंने यहाँ पे 4 लेयर लिए ताकि जल्दी से ये हो जाए। और आप देखेंगे ऐसे करते करते अपना सारा तार अच्छे से कवर कर दिया मैंने, थोड़ा सा बचा है ये भी हो जाएगा अभी। और आप देखेंगे कि हमारा चार्जर दोनों साइड से एकदम परफेक्ट तरीके से अच्छा हो जाएगा ये। दोस्तों, हमारा धागा ख़त्म हो गया यहाँ पे, और अब हम लगाएंगे इस पर ग्लू। लेकिन आप देखो कितने फिनिशिंग के साथ कितना अच्छा हो गया हमारा चार्जर। तो इस वीडियो के लिए एक लाइक अवश्य करना दोस्तों, इस चार्जर को ठीक करने के लिए। तो यहाँ लगाएंगे हम अपना ग्लू, वही 2 बूंद, ताकि हमारी एकदम से धागा चिपक जाए यहाँ पे, और फिनिशिंग के साथ हमारी तार ठीक हो जाए। तो देखिए दोस्तों, हमारा तार ठीक हो चुका है, और इसमें 2 मिनट लगती है ठीक करने में, हमारा चार्जर एकदम नया जैसा हो गया। तो आप देखेंगे फोर एंड आफ्टर में कि पहले हमारा चार्जर कैसे दिखते थे और अब कैसे दिखते हैं। तो प्लीज़ एक लाइक अवश्य करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इस वीडियो को। थैंक यू।